हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल जिनी मैजिक स्टूडियो। आपको मेरा आज का लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये लुक इंस्पायर है बिग बॉस में रश्मि देसाई से, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। उनके चेहरे में और मेरे चेहरे में डिफरेंस है, लेकिन मैंने ट्राई की है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज करूँगी, उसके लिए मैंने निविया की क्रीम ली है और उसे पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है और फिंगर से इसे अच्छी तरह मसाज कर लूँगी ताकि मेरी स्किन पे अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। इसके बाद मैंने लिप बाम लिया है, अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है ताकि सॉफ्ट रहे। अब मैं गुड वाइब्स का सीरम ले रही हूँ, उसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। इसे भी मैं फिंगर से ही अप्लाई करूँगी ताकि अच्छी तरह से मर्ज हो जाए मेरी स्किन पे। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आपने ऑलरेडी पहले मॉइस्चराइज़ किया हुआ है अपनी स्किन पे, तो आपको ज़रूरत नहीं है सीरम की, आप उससे भी काम चला सकते हैं। अब मैं पैक का प्राइमर ले रही हूँ, ज़ीरो प्राइमर है, और जहाँ पे मेरे ओपन स्पॉट्स हैं मैं सिर्फ उसी एरिया पे लगाऊंगी और उसे अच्छी तरह से स्प्लैट कर लूँगी। अब मैं रेवोल्यूशन का पैलेट ले रही हूँ, इसके अंदर कंसीलर है, तो मैं इसमें से ब्राउन कलर का कंसीलर लूँगी और अपने अंडर आइज़ पे अप्लाई कर लूँगी। आप कलर करेक्टर भी ले सकते हैं ऑरेंज, मैं बट कलर करेक्टर कम यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने डार्क कलर लिया है ब्राउन और उसे अप्लाई कर लिया अपने अंडर आइज़ पे। आपको जहाँ पे आपका लग रहा है एरिया ब्लैक है आप वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कलर करेक्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डेप्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी ताकि जो एक्सेस है वो ब्लेंडर पर आ जाएगा। अब मैम्बलिन का फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ, उसे मैं अप्लाई कर लूँगी ब्रश से, अच्छी तरह डॉट्स लगा लूँगी पूरे फेस पे, नेक्स पे, किसी एरिया को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद मैंने डैप ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि एक शीन सी लेयर आ जाए। और बिग बॉस में है तो वो इतनी वहाँ पे हैवी कवरेज नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ लाइट मेकअप करते हैं, तो इसलिए मैंने फिट मी का लिया है। अगर आप हैवी कवरेज लेना चाहते हैं तो आप दूसरा फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सेम पैलेट से ये आइवरी कलर लिया है और अपने जो हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं वहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी आइज़ के नीचे, नोज़ पे, जहाँ पे मुझे हाइलाइट करना है। इसे करने के बाद इसको भी मैं डैप ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से मर्ज कर लूँगी ताकि जो फाउंडेशन है और हाइलाइटर जो मैंने अभी अप्लाई कर रही हूँ ये एक सेट हो जाए और कहीं पे पैचेस ना लगे, सब स्प्लेट हो जाए और इवन एक बेस लगे। और इसे सेट करने के लिए आप अच्छे जितनी तरह ब्लेंड करेंगे उसको उतना ही आपका बेस अच्छा रहेगा। इसके बाद इसको लॉक करने के लिए मैं क्राइलोन का TL1 ले रही हूँ और उसे अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे ताकि जो मेरा बेस है वो लॉक हो जाए। अब मैं कंटोर कर रही हूँ, कंटोर के लिए मैंने ब्राउन कलर पिक किया है और जहाँ पे मुझे कट्स कंटोर करना है अपने फेस को तो उस साइड अप्लाई कर लूँगी, चीक्स पे, नोज पे, फोरहेड पे और जो लाइन पे। इसे अच्छी तरह से पहले मैं लगा लूँगी, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ब्रशर अप्लाई कर रही हूँ, ब्रशर के लिए मैंने ग्लैम 21 पैलेट लिया था, उसमें से मैंने पीच कलर अप्लाई किया है, पिंक नहीं किया है। अब ये रेवोल्यूशन का HD प्रो पैलेट है, इसमें से मैं पिंक हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे क्योंकि उनके जो चेहरा था वो काफ़ी ग्लो कर रहा था, तो इसलिए मैंने जो हाइलाइटर लिया है वो पिंक कलर का लिया है और इसे अप्लाई कर लूँगी अपने चीक्स पे, नोज़ पे। अब मैं आईज़ का मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने कंसीलर लिया है, वो अप्लाई कर लूँगी अपने आईज़ पे। कंसीलर लगाने के बाद इसे मैं डैप ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। अब मैंने इसे लॉक कर लिया है सेम TL1 क्राइलोन से ताकि एक बेस बन जाए मुझे आइस जो थी उनकी वो न्यूट थी, इसलिए मैं मैबलिन का न्यूट पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैंने ब्राउन कलर पिक किया है और उसे अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर लिया है अच्छी तरह से क्योंकि आइस उनकी इतनी हैवी नहीं है, वो उन्होंने लाइट रखा है, तो दोनों साइड पे मैं ऐसे ही करूँगी, क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी ब्राउन कलर।
इसे ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, लाइट में ही रखूँगी क्योंकि इतना डार्क नहीं है, बस एक क्लियर आ रही है। इसमें से मैंने सेम पैलेट से पिंक कलर लिया है, ये थोड़ा शिमरी है, वो अप्लाई कर लिया है फिंगर से अपने लिड पे। आईज मेकअप सिर्फ उनका इतना ही है, उसमें इतना हैवी नहीं था, तो दोनों साइड अप्लाई कर लूँगी पिंक कलर। और मैंने सेम कलर वो अपने हाईलाइट कर लिया अपने आईब्रोज के नीचे, और ब्राउन कलर लेके ही मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज के नीचे बॉर्डर लाइन पे। अब मैंने ब्लू हेवन का लाइनर लिया है, लाइनर अप्लाई कर लूँगी। अगर आपके पास स्केच लाइनर है, आप स्केच लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, जेल लाइनर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं लिक्विड कर रही हूँ। इसके बाद मैं मस्कारा ले रही हूँ। मस्कारा लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ जाइए, फिर उसके बाद आप इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो आपकी आईलैशेस अच्छी लगेगी और मस्कारा भी उसके अंदर कोटिंग अच्छी होगी। अब मैं लोअर लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी आईलैश पे। अब मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। आईब्रो के लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है और उसे मैं धीरे धीरे अपनी आईब्रो फिल करूँगी। अगर आपके पास पेंसिल है ब्राउन कलर की, आप वो भी पिक कर सकते हैं। आईब्रो हमेशा आप अपने हेयर कलर के अकॉर्डिंग ही पिक कीजिए। अगर आपके हेयर कलर ब्लैक है तो आप ब्लैक फिल कीजिए, अगर आपके हेयर कलर ब्राउन है तो आप अपने जो आईब्रोज है वो ब्राउन को ही फिल कीजिए, उस पर आप ब्लैक मत दीजिए। अब मैं क्राइलोन का लिप पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैंने रेड कलर पिक किया है क्योंकि उनके जो लिप्स थे वो रेड थे, बाकी उनका जो मेकअप था वो न्यूड की तरफ ज़्यादा था, तो मैं ये रेड कलर अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे। आप मुझे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आपको मेरा लुक कैसा लगा। मैंने ट्राई किया है उनके जैसे लुक रेडी करने का, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो आपको मेरा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रेंड्स।